दोसर पार्टी मत बुझी हो दोसर मत बुझा हृदय सरवा ना हम हो ओह सिस्टर हमर लगे ना ये गुट्टू को भी सच सुना जाए आई हमने यहाँ को खिस्सा कहा जाला कि जहाँ जैसा तहाँ जैसा ना ना करे तो मरद कहीं सर हमारे यहाँ के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर चाचा स्वर्गीय भिखारी ठाकुर एगो नाच के पार्टी चला के और भोजपुरी के शेक्सपियर कहा गए हमने कैसा सौभाग्य देखे बट अगर आपको उपलब्धि मिलती है तो कोशिश करिए। दुनिया कहती है कि हमें राम जैसा बनना है। राम के विचारधारा ऐसे थे कि वो चाहते तो शायद मुझे लगता है कि दुनिया का हर वो राजा राम के लिए लड़ सकता था, लेकिन उन्होंने बलवान को अपने साथ नहीं लिया, असहारा को अपने साथ लिया। जिनकी कोई औकात नहीं थी उनको साथ लेकर चले, और जब वो अयोध्या से गए तो वो सिर्फ दशरथ के पुत्र राम थे, लेकिन जब वो लंका से लौटे तो मर्यादम पुरुषोत्तम श्री राम का आदर है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार से लेकर गुरु से लेकर पत्नी से लेकर भाई से लेकर अपने शिष्य तक यहां तक कि अपने भक्तों का भी मर्यादा भगवान बन के नहीं एक इंसान बनकर निभाया। तो हमें उस विचारधारा को पढ़ने की जरूरत है जिस विचारधारा से राम ने अपने जीवन को चलाया था। दुनिया कहती है कि भाई होके तो भरत हो जैसा, जबकि लक्ष्मण जी उनके साथ थे, भगवान राम के साथ भरत नहीं लक्ष्मण थे। उस जंगल में सोना बिना खाए पिए बेडाउट व्यवस्था लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ थे, लेकिन दुनिया भाई होके तो भरत जैसा काहे बोलेला। उसका रीजन ये है कि लक्ष्मण के पास व्यवस्था नहीं था इसलिए वो अपने भाई के साथ थे, लेकिन भरत के पास तोशक था, तकिया था, रजगदी था, खाने की सामग्री थी, साथ में रहने वाली बीवी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब मेरा भाई सब इस चीजों से वर्जित है तो मेरे लिए ये जरूरी नहीं है। अच्छा रे भूख लागल होके बोले के खाना होके तो बर्दाश्त करो, लेकिन किसी के लिए आप उस अगर भोजन को छोड़ देते हैं तो त्याग उसको करते हैं। अगर केहू लगे खाने नहीं खे आऊ खाना नहीं खे खा तो जब खाना नहीं था तो लक्ष्मण जी वहां थे कि उनके पास खाना नहीं था। जब समुद्र में पत्थर फेंकने की बारी आई तो हर आदमी ने पत्थर फेंका, भगवान राम के नाम से सबने पत्थर फेंका और पत्थर तैरता गया। भगवान ने बोला कि यार आप लोग पत्थर फेंक रहे हो, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी फेंकूं, मैं भी एक पत्थर को छोड़ू समुद्र में। हनुमान जी ने बोला कि ठीक है प्रभु, अगर आप चाहते हैं तो उस पत्थर को छोड़िए। भगवान ने जब पत्थर को समुद्र में छोड़ा तो पत्थर डूब गया। तो भगवान राम ने पूछा कि हनुमान सब लोग फेंक रहे पत्थर छोड़ रहे तो पत्थर तैर रहा है, मैं छोड़ा तो डूब गया। हनुमान का यही शब्द था कि भगवान आप जिसको छोड़ेंगे वो डूब ही जाएगा, क्योंकि हमारा विश्वास आप हो, आपका विश्वास कौन है, इसलिए हम आपके भरोसे अपने पत्थर को छोड़ रहे हैं, आप किसके भरोसे इस पत्थर को छोड़ें। तो कर्म ऐसी चीज है कि दुनिया को पत्थर में भी विश्वास जगा देती है। भगवान राम भगवान बन के इस धरती पे नहीं आए थे, भगवान राम एक इंसान बनकर आए थे। उन्होंने कर्म इतना बड़ा किया कि उस पत्थर में भी हमारा विश्वास जग जाता है और उस पत्थर को हम भगवान मान के पूज लेते हैं। हम भी इंसान हैं, जीवन में अगर किसी का हेल्प करना हो तो राम की तरह एक बार सोच के देखना। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में आपका कोई दुश्मन हो। उन्होंने दुश्मन को भी सराहा है, दुश्मन को भी वो सम्मान दी है,
दुश्मन को लतारा नहीं है, दुश्मन को नीचा नहीं दिखाया। जब रावण को उन्होंने मार दिया, मारने के बाद लक्ष्मण को बोले कि लक्ष्मण जाओ रावण से कुछ ज्ञान ले लो, तो उन्होंने दुश्मन से भी सीखने का काम किया। हम तो अपने भाई को दुश्मन बना लेते हैं। एक राम की ओर आप लोग सब लोग रामायण पढ़ते होंगे और सुने भी होंगे। आज के डेट में वो त्रेता था, त्रेता में भाई अगर वन चला गया तो भाई ने गद्दी छोड़ दी। आज अगर भाई के सर्दी हो जाओ तो लोग मनाओ तो कि भाई कोरोना में जल्दी उठा न ले जल्दी सब धन हमारे हो जाओ। ये दुनिया है, ये लालच है। तो जहां लालच होती है वहां प्यार नहीं होता, जहां प्यार होती है वहां लालच नहीं होता। तो जिंदगी में भगवान राम के विचारधारा को जो दुनिया में अपना लिया, वो शायद मुझे नहीं लगता कि वो कभी मर सकता है, वो अमर हो जाता है।